नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कंगना रनौत के लिए बुधवार का दिन बेहद चुनौती भरा और इमोशनल रहा। उनके सपने पर बीएमसी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर जो चलाया था। दरअसल कंगना के मुंबई ऑफिस के कुछ हिस्सों पर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया था। जी हाँ दोस्तों, बीएमसी के ऑफिस तोड़ने के बाद कंगना काफी नाराज और इमोशनल नजर आई। कंगना रनौत इन दिनों अपने तीखे तेवरों की वजह से सुर्खियों में है। एक्ट्रेस कई महीनों के बाद मुंबई लौट आई है। कंगना रनौत के लिए बुधवार का दिन चुनौती भरा और इमोशनल रहा। जी हाँ दोस्तों, बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के अंदर मचा दी है तोड़फोड़। कंगना के मुंबई ऑफिस के कुछ हिस्सों पर बीएमसी ने कार्रवाई की और बुलडोजर चला दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध किया। अपने समर्थकों का आभार जताते हुए बीती रात कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि मैं अपने मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ, मुझ पे वार भी हुआ है और पीठ पीछे हुआ है। जब मैं फ्लाइट में थी, सामने नोटिस देने या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हानि से काफी दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत पर जिस तरीके की मुसीबत आई है और बीएमसी ने जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा है, दूसरी तरफ उनके फैंस ने भी उनका साथ दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना और बीएमसी की इस कार्रवाई पर उनके फैंस में भी खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कंगना ने अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने एक फोटो शेयर की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। कंगना की ये फोटो ईशा योगा सेंटर की है। वाकई कंगना की यह तस्वीर बेहद खूबसूरत है। कंगना ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। ये फोटो मेरे आश्रम ईशा योगा सेंटर पर ली गई है। कुछ भी प्लान नहीं था, ये एकदम से क्लिक की गई तस्वीर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फोटो बेहद खूबसूरत ट्रांजिशन को दर्शाती है। कंगना की इस फोटो को यूजर्स ने काफी खूबसूरत बताया है। जी हाँ दोस्तों, अपनी दोनों पोस्ट के साथ ही बीएमसी के एक्शन पर कंगना रनौत ने अपना करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सपोर्टर्स को थैंक यू भी कहा है इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने के लिए। कंगना रनौत के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।